हाय गाइस, तो आज का वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो मेरे बेटी के उम्र के हैं और कुछ पेरेंट्स हैं जो देखो दो तरह की थिंकिंग होती है बच्चों में, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ टॉयज दे आर यूजिंग। तो फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्टिव टॉयज अगर आप लेते हो, अगर आपके यहाँ पे छोटी बेबी है, आपको मालूम नहीं उसको कैसे उसको इन्वॉल्व करें और कुछ एक्टिविटी में ताकि वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में आए और आगे जाके कुछ करियर में अच्छा करे, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस। तो अभी मेरे आई डोंट नो हाउ मच गुड पेरेंट आई एम, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए मैंने प्रशिता की कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए मैंने ये चॉइस लिए है जो अमेजोन में मुझे बहुत कम रेट में मिले, बिकॉज आई हैव बाय बॉट इट टू डेज बिफोर। ये ऑफर चल रहा था कुछ, उसकी वजह से थोड़े कन्वीनियंट रेट में और कम प्राइस में मिले। तो आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये कौन से कुछ है। सो यहाँ पे है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ये ब्लॉक्स नहीं है, ब्लॉक्स ये वाले हैं, ये दूसरा पैकेज जो अलग से उसके साथ मिला है मुझे दूसरा। इसका कॉस्टिंग आया था मुझे 230 समथिंग और इसका 350 समथिंग। I don't remember the exact amount. I will give you the link in the description. तो इसमें constructive thinking इसलिए है just to make sure कि इसमें अगर आप कुछ blocks वगैरह के Lego जो होता है Lego के जैसा वो, और यहाँ से आप उसके लिए अलग अलग games वगैरह दिखा सकते हो, इनके साथ एक robot create कर सकते हो, house create कर सकते हो, तो वो दिखा सकते हो, उनको दिखाना है कि हाँ ये चीजें यहाँ पे फिट होती है। लेट देम गेट इन्वॉल्व विद यू। तो ये जो गेम्स है इसमें उनको एक एक पीसेस लगाने को, हाथ से लगाने को हेल्प करिए, तो उसकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बढ़ेगी। उसको कुछ मॉडल्स दिखाइए। आप बोलोगे, अगर बहुत व्यूअर्स होंगे वो बोलेंगे कि इतने छोटे बच्चे को क्या समझेगा, आई नो ये नहीं समझेगा, लेकिन अगर याद करो कि हमें बचपन में सिखाया जाता था या फिर चाइल्डहुड में जो नर्सरी केजी किंडर गार्डन्स में जो पढ़ते थे उनको मालूम होगा कि जब हमें दिया जाता था ट्रायंगुलर शेप, उसमें ट्रायंगुलर ड्रॉप करना होता था, सर्कल में सर्कल ड्रॉप करना होता था, वहाँ पे हमको वहाँ पे उसकी जानकारी नहीं थी, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। तो यही इनको बताना है कि इसमें भी शेप्स में है, इसको उल्टा रखना है, सीधा रखना है, उसको प्लेफुल जॉय अगर देना है तो उसको इन्वॉल्व करो आपके साथ। तो इसके साथ हम एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले, अनबॉक्सिंग तो यही करेगी क्योंकि मैं नहीं करने वाला, लेकिन इसके साथ हम श्योरली एक हाउस या फिर अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे जो प्रशिता को खेलने में मजा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, नेबर एंड माय सब्सक्राइबर। सो ये हमें ये ब्लॉक्स क्रिएट मतलब इससे बिल्डिंग फॉर्म करने में हेल्प करेगा। आगे जाके हमारे बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे दिमाग में, जल्दी हर मतलब एक अल्टरनेट व्लॉग्स में या फिर कोई वीडियोस में सोम जरूर दिखता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द असेंबली। ठीक है, thank you.
1 eternity later.